नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूं रीना। वास्तु शास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व होता है। इसके अनुसार घर में रखी हर एक वस्तु में एक खास ऊर्जा होती है, जिसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। वास्तु में हर एक दिशाओं की भी खास ऊर्जा बताई गई है। यह ऊर्जा सकारात्मक हो तो घर के सदस्य खूब तरक्की करते हैं, वही नकारात्मक ऊर्जा वास्तु दोष पैदा करती है। इसकी वजह से तरक्की में कई तरह की बाधाएं आती है। घर में वास्तु दोष हो तो व्यक्ति हमेशा आर्थिक तंगी का सामना करता है। लाख मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता है। लगातार प्रयासों के बाद भी घर में धन की कमी बनी रहती है और लोगों के पास पैसा नहीं टिक कर रहता है। वास्तु दोष घर की शांति, सुख और समृद्धि को प्रभावित करता है। ये वास्तु दोष घर के मुख्य द्वार से भी जुड़े हो सकते हैं। घर में वास्तु दोष हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आती रहती है और यह आसानी से बाहर नहीं जाती है। जिसमें वास्तु दोष का प्रभाव रहता है, उस घर में सदस्य बीमारी, आर्थिक तंगी या फिर परिवार में किसी न किसी कलह से परेशान रहते हैं। वास्तु दोष के इन समस्याओं से घर में कभी भी बरकत नहीं आती है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कुछ बदलाव करके आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। घर का वास्तु सही रहे इसके लिए हर दिन सुबह उठ घर के मंदिर में धूप जलाना चाहिए। थोड़े से जल में हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर इस पानी का छिड़काव करें। इसके बाद द्वार के दोनों तरफ साफ जल प्रवाहित करें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियां बाहर चली जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी का छिड़काव करने से वास्तु दोष दूर होता है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। मुख्य द्वार पर गंदगी हो तो माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। घर के मुख्य द्वार पर कृष्ण या गणेश जी की मूर्ति लगाना भी शुभ माना जाता है। इससे घर के सदस्य सुरक्षित रहते हैं और घर में समृद्धि आती है। मुख्य द्वार के आसपास पौधे लगाने चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।